बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका होस्ट वकास अहमद नून होशियारपुरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ट्रू पैट्रियट। पाकिस्तान अपना दूसरा टेस्ट मैच भी 79 रन से हार चुका है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर। पाकिस्तान टीम ने इस मैच में काफ़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई। हमारे बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, मगर बैड लक ये हुई कि हमने कैचेस गिराए। पहली इनिंग्स में भी कैच कराया डेविड वार्नर का दो रन पर, और दूसरी इनिंग में मिचेल मार्श का क्रूशल कैच कराया अब्दुल्ला शफीक ने। दोनों अहम कैच अब्दुल्ला शफीक ने कराए, और जो 76 रन मिचेल मार्श ने ऐड किए हैं और पिछली इनिंग में जो डेविड वार्नर ने रन ऐड किए हैं, उन्हीं रन की वजह से पाकिस्तान ये मैच हारा है। और दूसरी ये चीज़ है कि अपना बाबर आजम जो हमारा मेन बैट्समैन है, उसके माइंड में कहीं डर बैठ गया है, वो बैरियर उसका रिमूव नहीं हो पा रहा। बाबर आजम को अपनी नेचुरल गेम खेलनी चाहिए। वो जितना बॉल को रोकता है, डर के खेलता है, उतना जल्दी आउट होगा। आज भी बाबर आजम 41 पर आउट हो गया, अच्छा खेल रहा था। शान मसूद एक प्लस पॉइंट है, दोनों इनिंग्स में 50 की, अब्दुल्ला शफीक की 50, अमीर हमजा 6 विकटें लीं और शहीन शाह अफरीदी किसी हद तक कम बैक किया, 6 विकटें लीं। और आप कह सकते हैं कि सलमान अली आगा ने 50 की, अच्छा स्कोर किया है। तो अब अगले टेस्ट मैच में पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? सिडनी की जो विकेट है वो स्लो और स्पिन विकेट है, वहाँ पर हमेशा दूसरी टीम दो दो स्पिनर खिलाती है। हमारे पास स्पिनर इस वक्त नुमान अली है और साथ है साजिद खान है और नवाज़ है। तो क्या करना चाहिए? तो मैं तो ये कहूँगा साउथ शकील को ड्रॉप करें, साउथ शकील की जगह पर आप साजिद खान को ले आएँ टीम के अंदर। साउथ शकील की जगह पर साजिद खान को टीम के अंदर ले आए, फास्ट बॉलिंग को ना छेड़ें। हमारी फास्ट बॉलिंग बहुत अच्छी बॉलिंग कर रही है, चारों फास्ट बॉलर खिलाए जाएं, कोई मसला नहीं। वेल डन पाकिस्तान टीम, और सिडनी टेस्ट मैच जीतने की कोशिश करें। वहाँ पर बाबर को बड़ा स्कोर करना चाहिए। बैटिंग पिच है सिडनी टेस्ट की, है तुझे भी बैटिंग पिच थी, मगर आई डोंट नो बट वट हैपन विद बाबर। अब और इमाम को लाजमी ड्रॉप करें, इमाम इस वक्त टीम पर बोझ है, और जो लड़का है लेफ्ट हैंडर सैम अयूब, उसे मौका दें और इंशाल्लाह पाकिस्तान विल डेफिनेटली विन। अगर आपने सिर्फ साउथ शकील को ड्रॉप किया, उसकी जगह पे साजिद खान को लेकर आए, और दूसरा आपने ड्रॉप किया उसको, क्या नाम है उसका, इमाम को, उसकी जगह पर आप लेकर आ जाएं सैम अयूब को, तो ये टीम बहुत अच्छी है, और फील्डिंग अच्छी करें, कैचेस पकड़ें, तो बेस्ट ऑफ लक पाकिस्तान टीम फॉर द नेक्स्ट टेस्ट मैच। हार्ड लक फॉर दीज टू टेस्ट मैचेस एंड कंग्रेचुलेशंस पैट कमिंस ऑन हिज 250th टेस्ट विकेट। He has been in the 10th, he is the 10th Australian bowler who have taken 250 test wickets. Shukriya, ya hayo ya qayyum.